सो जैसा कि दोस्तों वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल पे आप लोगों ने सही देखा, दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अपस्टॉक्स के बारे में। अपस्टॉक्स क्या है? अपस्टॉक्स के अंदर एक बहुत ही बढ़िया प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर आप फ्री में अपस्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो उस केस में आपको 300 रुपीज एज ए साइन अप बोनस सीधा आपका आपका बैंक अकाउंट पर दिया जाएगा। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा किस तरह से आपको इसके अंदर फ्री अकाउंट बनाना है। और दोस्तों यहां पे अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जैसे आपके पास आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड एंड फिजिकली एक बैंक डिटेल्स एंड व्हाइट पेपर में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो अपस्टॉक्स के बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। ये इंडिया का नंबर वन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है एंड इसको इन्वेस्ट किया है इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन रतन टाटा जी ने। $400 मिलियन जो अभी मतलब हम लोगों के साथ बट रहा है प्रमोशनल ऑफर के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरह से आपको अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे आप लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी इसके अंदर फ्री अकाउंट। तो डाउनलोड करने के बाद जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे, क्रिएट ए न्यू अकाउंट उस पर आप क्लिक करें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी एंड एक वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करो, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा आपको। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सेम ईमेल आईडी एंड सेम मोबाइल पे सेम ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा आपका जो मोबाइल नंबर एंटर किया था सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, नहीं तो जीमेल आईडी को एंटर करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन सेम नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे सिंपली एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको साइन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको पैन कार्ड होना जरूरी है, आपके पास पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, पैन कार्ड नंबर दो एंड आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करो, ईयर वगैरह सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और एक न्यू स्टेप आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक, देन यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स एंटर करना है, मेल फीमेल जो भी हो आप आपका डिटेल्स यहाँ पे भर दो। आपका एनुअल इनकम 1 लाख बिलो कर देना, आपका एक्सपीरियंस ट्रेडिंग लेस देन वन ईयर कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन, आपको यहाँ पे स्टूडेंट जो भी हो आप वो आप सिलेक्ट करो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो अदर यहाँ पे टैक्स रेसिडेंस अदर इंडिया नो आप क्लिक करो, देन टर्म एंड कंडीशन को एग्री करो, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और एक न्यू पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को टिक मार्क कर दो एंड यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाओ तो यहाँ पे एक प्रोमो कोड आपको एंटर करना होगा। देखो दोस्तों प्रोमो कोड हर बार चेंज होते रहता है, तो इसलिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना। अगर ये प्रोमो कोड चेंज हो जाता है तो मैं आपको न्यू प्रोमो कोड वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। देखो अभी जो प्रोमो कोड चल रहा है इसके लिए आपको 300 रुपीज़ साइन अप बोनस मिलेगा, दिवाली 300 को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अप्लाई करेंगे 300 कैश मिल जाएगा एज ए साइन अप बोनस, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ये जो नेक्स्ट पे आ जाएगा, देन आपको ईएस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स एंटर करना है, कोई भी फिजिकल यहाँ पे कोई भी पेमेंट बैंक नहीं चलेगा, लाइक पेटीएम उसके बाद एयरटेल कोई भी पेमेंट बैंक यहाँ पे डिटेल्स एंटर नहीं कर सकती आप। यहाँ पे कोई भी आप फिजिकली बैंक डिटेल्स एंटर करो, जैसे बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे यहाँ पे SBI, तो आपको ऐसा कोई फिजिकली आपको बैंक डिटेल्स एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर कुछ इस तरह का होगा, आपको इस टाइप से आपको एक फोटो लेना है, देन अपलोड कर देना है, देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, आधार कार्ड वोटर कार्ड। तो यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया, उसके बाद आधार कार्ड का डिटेल्स आप एंटर कर दो, एड्रेस एंटर करके आधार कार्ड का बैक साइड एंड फ्रंट साइड आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका पैन कार्ड का फोटो अपलोड कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन पे पैन कार्ड एंड सेकंड वाला ऑप्शन पे आपको आपका एक प्रोफाइल फोटो क्लियरली अपलोड करना है, ठीक है। एंड जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको रेफरल का एक ऑफर आपको दिखाएगा, इसकी पे अभी क्लिक करना है क्योंकि अभी तक आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ। उसके बाद ई साइन विथ आधार OTP उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब डाउनलोडिंग होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो वेट करता हूँ कुछ टाइम। देन आपको ई साइन नाउ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा, यहाँ पे जैसे लोड हो जाता है देन आपको आपका नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है, सिक्योरिटी कोड जाएगा, एंटर करके जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज यहाँ पे थोड़ा सा स्लोली ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे मोबाइल पे कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कम कर रहा है। देन आपका डिटेल सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आई एम टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करो। देन आपका जो आधार कार्ड है, कार्ड नंबर है, वो आपको एंटर करना है, वर्चुअल आईडी नंबर जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपको एंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। देन आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, नेक्स्ट पे क्लिक किया एंटर करने के बाद। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कुछ टाइम यहाँ पे लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोडिंग होगा। तो यहाँ पे देखो मेरा जो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आधार आईपीवी वीडियो अपलोड करना है, आपका तो आधार कार्ड हाथ में लेना है, आपको बोलना है ये मेरा आधार कार्ड है, ऐसे बोल के 10 सेकंड का एक वीडियो अपलोड करना है। आपको साइड में एग्जाम्पल वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसको प्ले करेंगे तो इसके अंदर सब सब बताया गया है कि किस तरह से आपको करना है। बहुत ही सिंपल से सिर्फ आधार कार्ड हाथ में लेना है एंड बोलना है ये मेरा आधार कार्ड, देन आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, 24 आवर्स वेट करो, आपका यूज़र आईडी एंड आपको पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ चुका है, तो सबसे पहले इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद एप्लीकेशन के अंदर साइन इन करो, उसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे साइन इन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। देन आपको बताया जाएगा कि आप एक फिंगरप्रिंट नहीं तो आपका यहाँ पे एम पिन सेलेक्ट करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा, पासवर्ड को सिंपली चेंज कर दो, ठीक है। देन आपको यहाँ पे रेफर एंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक एक रेफर करने के लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ करके दिया जाता है, जैसे मैं प्रोसेस बताया इस प्रोसेस को अगर कोई कंप्लीट करते हैं तो आपका रेफरल लिंक के थ्रू। तो यहाँ पे देखो मैंने शेयर कर दिया, जैसे कोई अगर मेरा लिंक के थ्रू से इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा तो एक एक रेफर करने के लिए 500 रुपीज़ करके मिलेगा। देन आपका पैसा विड्रॉ करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और एक आपको साइड मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको 48 आवर्स से 72 आवर्स वेट करना है, ठीक है। देन आपका यूज़र आईडी एंड जो आपने पैन कार्ड एंटर किया था पासवर्ड पे उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे देन आपको साइन इन। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो 300 मिलना था वो यहाँ पे मिला है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आपको बैलेंस दिख जाएगी। यहाँ पे कोई भी मिनिमम रिडीम नहीं है, जो भी पैसा आपको मिलेगा उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 354 रुपीज़ यहाँ पे बैलेंस है जिसको मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर आपको दिया गया है, जैसे आप किसी को रेफर किया उसका ट्रैक सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, रेफरल सेंटर ट्रैक सब कुछ कर सकते हैं, आप कितना लोगों को रेफर किया उसका कितना प्रोफाइल कंप्लीट हुआ है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए।